130 साल से भारत की रेलें रास्ते नापते चली आ रही हैं। आज रेल द्वारा रोज लगभग 1 करोड़ यात्री सफर करते हैं। अपनी अपनी किस्मत लिए इतने लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। बाहर अकेले क्यों खड़े थे? अब 2-3 घंटे के बाद चले जाओगे। बाहर विवेकानंद राव के पीछे पता है कितना सुंदर सनराइज था। बैठी हो यहाँ? 30 दिन की छुट्टी मिली, वो भी दोस्त रिश्तेदारों से मिलने और अच्छन के काम में लगा दी। हम दोनों को एक दूसरे के साथ इतना थोड़ा समय मिला और यहाँ भी अकेले रहते हो। चाय के लिए बोला? नहीं। सामान बांधा? चलो चाय के लिए बोलो, सामान बांधो, मैं तैयार होकर आता हूँ। पता नहीं इस फौज के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसे कौन से 1000 रुपए मिलते हैं तुम्हें? फौज के सिवाय मुझे कुछ आता ही नहीं। कृष्ण की फिर चिट्ठी आई है, लिखा है। हाँ आता हूँ। उनको यहाँ भेज दो। कितना पैसा कमाता है कृष्ण दुबई में? 3-3 साल बाद छुट्टी मिलती है उन्हें। पूछा कुछ और जवाब कुछ और, कभी ठीक से बात नहीं करते। लद्दाख 4000 मीटर की ऊंचाई, सांस लेना भी मुश्किल होता है। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। लगता है सृष्टि यहीं से शुरू होकर निकली है। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, ये दुनिया ऐसी ही थी। जिंदगी, मौत, घर गृहस्थी का यहां कोई अर्थ ही नहीं। चलो जल्दी करो और बाथरूम में 4 घंटे मत लगाना। हमें विवेकानंद रॉक पर भी जाना है। मुझे नहीं जाना वहां। क्या? यही इच्छा थी? भगवान की इच्छा नहीं, तुम्हारी कंजूसी।
जो वो मांग रहे थे वो दे देते तो ये सब नहीं होता। सो जलाने से उसे आग लग गई, इसमें हमारा क्या था? उसे बचाने में प्रशांत के दोनों हाथ भी जल गए। सो जलाने से नहीं, आप नहीं जानते कि उसके घर में गैस जलती है। आपने 10,000 नहीं दिए तो बेटी की बलि हो गई। जब वो पति का घर छोड़कर वापस आना चाहती थी तो तुमने क्यों मना किया? अब वही नहीं रही तो इन सब बातों से क्या फायदा? चलो स्टेशन जाना है, ट्रेन का समय हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर ये लाइन नहीं मिली ना तो हमारा ग्रुप बुरी तरह फंस जाएगा। हेलो हेलो मैडम, हेलो। देखो क्या है ना कि हमारा ग्रुप है ना वो राष्ट्रीय नाट्य समारोह में जा रहा है नाटक करने दिल्ली। उससे पहले वो लोग त्रिवेंद्रम में शो कर रहे हैं और उसके बाद में नहीं मैं कन्याकुमारी से जा रहा हूँ। हेलो मेरे बिना वो दिल्ली में वो नाट्य समारोह में नाटक कर ही नहीं पाएंगे। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। यस हेलो हेलो यस प्लीज ट्रीट इट मोस्ट अर्जेंट। हाँ क्या लाइन आउट ऑफ ऑर्डर है? हेलो स्पीकिंग जी, एस एस टोरंटो। यस एस एस कन्याकुमारी स्पीकिंग। यस नाउ ऑन कोच जीएस 9192 इन 82 मार्क्स 58 सर। हियर नो स्पेयर कोच अवेलेबल सो प्लीज अरेंज इट विद। இங்கே 82 ல ஒரு வண்டி செக் பண்ணிருக்காங்க, கோச் நம்பர் 9291. அதனால இங்க வேற ஸ்பேர் கோச் இல்ல, நீங்க ஒரு ஸ்பேஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே स्वामी भगवानंद जी, आप डॉक्टर का कहना क्यों नहीं माना करते? एक तो मुझसे बगैर पूछे आप सेकेंड रिलीफ पर निकल पड़े। आप जानते हैं कि स्ट्रेन आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है और अब आराम करने को कहा है तो आप इधर उधर घूम रहे हैं। इन्हें बाहर क्यों जाने दिया? डॉक्टर साहब, स्वामी जी किसी की बात मानते ही नहीं। अब तो इन्हें जिद है कि हिमालय जाऊंगा। 82 एक्सप्रेस के टिकट भी रिजर्व करवा लिया हमने। बिल्कुल नहीं, 2 हफ्ते तक कंप्लीट रेस्ट चाहिए इन्हें। कब तक जिंदा रखोगे डॉक्टर साहब? मैं अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ, जाने से पहले हिमालय के दर्शन करूँगा। आप यात्रा इस हालत में बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत ही आसान बात है, इधर रेल में बैठा उधर 3 दिन के बाद उतर गया बस। और ये यात्रा आप अकेले करेंगे? जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं साथ चलूंगा। वो अच्छी देखभाल करेगा, बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं तो बोर्ड निकल जाएगी।
अब तुम्हें एक साल के बाद छुट्टी मिलेगी। हाँ, क्यों? एक साल के बाद इतने दिन में अकेले कैसे रहूंगी? उसके बाद फैमिली पोस्टिंग भी तो होगी, फिर हम इकट्ठे रहेंगे। इतनी जल्दी मत जाओ ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। घर की दुकान थोड़ी है। क्या सोच रहे हो? देखो, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ अरब सागर। दोनों का पानी मिलकर हिंद महासागर बन जाता है। जहां तक नजर पड़ती है पानी ही पानी। जो पानी यहां से दुनिया के उस छोर तक बहता है, यहाँ से हिमालय तक हमारा देश फैला हुआ है। जो सोचते हो मुझे बताते क्यों नहीं? तुम्हारे मन की बात मैं भी जान जाऊं तो लगेगा कि तुम इतने दूर भी तो नहीं। कितनी अच्छी जगह है। तो यही क्यों नहीं रह जाते? हाँ, ऐसी जगहों पर मन तो यही करता है कि बस यही रह जाओ, जैसे लद्दाख में हुआ था। लद्दाख 4000 मीटर की ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल होता है। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई। लगता है सृष्टि यहीं से शुरू होकर निकली है। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, दुनिया ऐसे ही थी। जिंदगी, मौत, घर गृहस्थी का यहाँ कोई अर्थ ही नहीं। ये डायरी आपको कहाँ से मिली? मेरी है। अब तुमको नई डायरी बनानी होगी। ये तो मैंने ले ली। डायरी में सब कुछ लिख सकते हो लेकिन मुझे बता नहीं सकते। நம்பர் 82 எக்ஸ்பிரஸில் பிரயாணம் செய்ய இருக்கும் பயணிகளுக்கு ஓர் முக்கிய அறிவிப்பு. இவ்வண்டி தொடரின் 4வது பெட்டி இணைக்க இயலாமையால் அதற்கு மாற்று பெட்டி திருவனந்தபுரத்திலிருந்து இணைக்கப்படுகிறது. மேற்பட்ட பெட்டியில் பயணம் செய்ய இருப்பவர்கள் தயவு செய்து ரயில்வே அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஏற்பட்ட அசௌகரியத்திற்கு வருந்துகிறோம். நன்றி. 82 एक्सप्रेस से जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि यहाँ से 4 नंबर को एक्सक्यूज मी सर, वो मेरा टिकट सर त्रिवेंद्रम तक है, पर एक्चुअली मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली टिकट? वही तो ना, मेरा असल में टिकट मेरा दिल्ली के ग्रुप टिकट में शामिल है। वो कंसेशन में हम ड्रामा वालों को मिलता है ना, हम लोग वहाँ दिल्ली जा रहे हैं नाटक करने के लिए, पहली बार जा रहे हैं। इफ आई मिस देम, आई मीन माय ग्रुप एट त्रिवेंद्रम, व्हाट विल आई डू? आई विल बी नोवेयर। आई सी, यू गेट इन दिस कंपार्टमेंट, आई विल कम एंड हेल्प यू। थैंक यू। कोच नंबर 4 कहाँ है? It has fallen sick, sir. There will be a new coach attached. For the time being, you get into this coach, sir. Trivandrum mein coach badle karna hoga? Saman utarna, phir chalana, bada problem rahega. Sorry, sir. Chalo. Excuse me. 4 number ka coach kahan, zara bata dijiye, please. It has fallen sick. For the time being, you get into this. Yeah? You can change to another coach in Trivandrum. Thank you. अगर ऐसा लगे जी कि इन्हें स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है तो रास्ते में उतर कर 2-3 दिन आराम कर लेना जी, और फिर आगे ले जाना, समझे? हिमालय पहुंचने तक कुछ नहीं होने वाला है डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप आराम कर लीजिए। स्टेशन बाजू में पैदल जाओ। अरे भाई देखो, हमारी गाड़ी छूट जाएगी, जरा जल्दी है। आप सर, अब मैं
अब मैं आपको 10 रुपए ज्यादा दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, अरे भाई मीटर से 10 रुपए ज्यादा दे दूंगा। कहाँ? केरला गेस्ट हाउस। कहाँ? अरे भाई केरला गेस्ट हाउस। चलो आएंगे। स्वामी जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा बंद कर दिया उसने। अगला स्टेशन नागरकोइल। गाड़ी निकल गया। हाँ हाँ आओ। चलो जल्दी जल्दी चलो भाई। भाईपरा नहीं, अब क्या होगा। चलो सीधे स्टेशन जाते तो ठीक था। विवेकानंद राउत पर जाने से पहले अगर आप पूरी पैकिंग कर लेती तो देर नहीं होती। आर्मी सर्विस ना करते तो इतनी जल्दी नहीं जाना होता। मेरी समझ नहीं आता क्यों नहीं छोड़ देते। तुम क्या बोल रही हो? मैं आर्मी सर्विस करके अपने कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारे भाई की तरह दुबई में आइसक्रीम नहीं बेचता। उसे 4-5 साल ढेर सारा रुपया मिलेगा, फिर क्या होगा। जिस काम में मेरा मन लगता है उसको ज्यादा पैसों के लिए उसे छोड़ दूं। जाने से पहले लड़ना ठीक नहीं है। नागरकोल कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। थोड़ा जल्दी कीजिए, ये ट्रेन मिस हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे जम्मू तक जाना है। सॉरी सर, आई विल टेक यू। थोड़ा जल्दी जा सकते हैं? और कपड़ा पड़ा नहीं सर, सीखा बहुत चेंज रहे।
इंगवा सर सर ये अरे अरे मास्टर ये क्या अरे तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या? जब मन में आए जहाँ पे चाहे सामान रख दो। अरे भाई मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ, ऐसे पैर ऊंचा रख के मैं वहां तक सफर करूंगा क्या? क्या इसमें चावल है सर? तमिलनाडु से केरला ले जा रहा हूँ सर, यहाँ चावल बहुत सस्ता है सर। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते स्मगलिंग कर रहे हो? ठीक है स्मगलिंग नहीं करता सर, बेटी का शादी में चावल बहुत लगता है सर। जो भी हो टेक्निकली स्मगलिंग ही तो है ये। तुम कैसा आदमी है? मैं क्या स्मगलर लगता हूँ? मैं क्या स्मगलिंग करता हूँ? अरे तुम्हारी बेटी का शादी मनाना है, एर्नाकुलम में उतर जाऊंगा सर। आई हैव प्रॉपर टिकट सर। अरे तो मेरे पास प्रॉपर टिकट नहीं है क्या? और एर्नाकुलम तक के सफर में मैं क्यों सफर करूँ? आप किसी दूसरे डब्बे में जाइए, और वैसे भी ये हैवी लगेज आपको ब्रेक लाइन में डालना चाहिए। आप बिल्कुल करेक्ट बोलता सर, लेकिन नागर कॉयल में गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकता सर। सर प्लीज कोऑपरेट सर, प्रिवेंटर में उतर जाएगा सर, प्लीज कोऑपरेट सर। आज तो किस्मत ही खराब है। अच्छा त्रिवेंद्रम कितनी दूर है? 70 किलोमीटर। மாலையில் ஓர் மல்லிகை இங்கு நான் தான் தேனென்றது உந்தன் வீடு தேடி வந்தது இன்னும் வேண்டுமா என்றது இன்னும் வேண்டுமா என்றது